شکر الحمد للہ رب العالمین شکر پاک پروردگار تیری پاک ذات کا لاکھ لاکھ شکر الحمد للہ رب العالمین یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر میرے گھر چ تھوڑی جی پانی سی مطلب چلے سن مسجد بٹھے دے بڑی سونی روٹین بنی کپڑے کپڑے پاندے سن منور آخیا میں سپرے کر کے آیا انہوں نے تیار کرو کر کے مسیح چڈ میرا کٹارا کھڈا پٹی شٹے پایا سب ادھر گیا باغ نے گیا بارہ بجے نا گیا سارے کو ٹینکی لے کے چاچی شاد دی ہٹی آدھی چسک ہے میں جماعتیں بچیا نو نکیا عادت پی جائے نا پھر ٹھیک رہیں گے سمجھ لیں کہ سیڈ نیوز بھی ہے اور اچھی خبر بھی ہے. پہلے سیڈ نیوز, جو سیڈ نیوز ہے وہ یہ ہے کہ ابا جی صبح جا رہے ہیں, پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ 10 دن کس طرح گزر گئے, پلک جھپکتے میں 10 دن گزر گئے. اور جو اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ رمضان شریف
में अब्बा जी वहाँ पे नमाज़ी तरावी पढ़ाएंगे, और उसके बाद जो ईद उल फितर है, ईद उल फितर की नमाज अदा करने के बाद ये फिर आएंगे हमारे पास, तो 2.5-3 महीने हमारे पास रहेंगे। तो इस बात पे ये राजी हुए हैं, तो अल्लाह करे कि अल्लाह ताला इनको तंदुरुस्त रखे, इनका साया हमारे सरों पे कायम और दायम रखे, और जो बिल्कुल खिदमत करने का मौका है वो अल्लाह ताला हमें नसीब करे। बेशक तो आपने ये पहले भी खिदमत करते थे कि अब तो बिल्कुल खिदमत ये बेहद यकीन है, और मैं बहुत ही खुश और बहुत राजी बस दुआ हूँ। कर छे करो तो आपने ये अगे दो दुआ महीने करता में। हूँ, ये हर दुआ करता हूँ, हर इंसान को दुआ की जरूरत होती है, तो माँ बाप की दुआ जो है ये बड़ी अहम होती है। मैं बिल्कुल हर वक्त दुआ करता हूँ, और कामल वली के मुकाम पर हाजिरी भी है, ड्यूटी भी है, अल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती आमीन बख्शे आमीन। और औलाद माल दौलत नाल शादाबाद फरमाए। ए 10 दिन ते सौखे ही लंघे न, मतलब एवं ही लंघे ने, ते जेडे अगले 2.5 महीनों की उड़ीक होनी है वो औखे लंघने, क्योंकि वो इंतजार दे होने ने। ये उड़ीक होनी है तांग होनी है, तो छेती छेती जेडे रोजे मुकन, ते फिर जो तुसी आओ, तो ये इन्होंने वादा किया है कि 2.5-3 महीने में आपके पास रहूंगा। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम दोनों को यकीन है अल्लाह ताला की जात पे, और हमें अपने ऊपर भी भरोसा है कि हमने अब्बा जी को इतना इज्जत, इतना एहतराम, इतनी खिदमत करनी है कि इनका खुद ही दिल करना है कि ये हमारे साथ रहें। तो इंशाल्लाह ये अब हमने पक्की नियत कर ली है कि इतनी खिदमत करनी है कि पिछले जो भी जख्म मिले हैं, जो भी मतलब गिले शिकवे हैं, वो सब दूर हो जाएं। तो इंशाल्लाह ये समझ लें कि हमारा एक मिशन है, हम दोनों का, हम दोनों बेशक मियाँ बीवी का ये मिशन है कि अल्लाह इनकी इतनी इज्जत करनी है, इतना एहतराम, इतनी खिदमत करनी करे, है कि जो और पिछले जख्म है वो सारे अल्लाह खत्म हो जाएं। अल्लाह ताला रिज़्क़ुल माल दौलत नाल शादाबाद आमीन फरमाए, आमीन और आमीन। ज़िंदगी सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, सलूक इत्तेफाक ते ईमान बख्शे। आमीन अल्लाह ताला अपने हबीब दे सदके तुहाडे ते अपनी रहमत अगल नादल फरमाए, आमीन। ओहदी फजल दी लोड़। अब जी इन्हें को भैन भरा जी वेखन वाले जिन जिन्हां ने तुहाडियां वीडियो वेखियां ने, वो इन्ना को मतलब इसरार कर देना कि साढ़े वास्ते भी अब्बा जी नूं आखो भी दुआ करन, साढ़े वास्ते भी दुआ करन, साढ़े वास्ते भी दुआ इंशाअल्लाह हर करन। वास्ते दुआ ते करांगे, क्यों नहीं, जिन्ना जिन्ना आखे अल्लाह क्यों ताला नहीं, बेहतर जानता अल्लाह है, जिन्ना जिन्ना ने सब दी सानू मुश्किल इंसान आसान फरमाए, होने दे नाते जेड़ा याद नहीं, ते जिन्ना जिन्ना ने आखे वो अल्लाह ताला जेड़ा ना अपने हबीब दा सदका, पंचन पाक दा सदका, कामल वली दा सदका, अल्लाह ताला सब दी मुश्किल आसान आमीन फरमाए, आमीन आमीन। ते सब नु रिज़्क़ुल माल दौलत नाल शादाबाद फरमाए। साडी दुआ है, दुआ इंशाअल्लाह उस कामल वली का सदका अल्लाह ताला कबूल फरमांदा है। और अल्लाह हर किसी दिया फजल करे, जी अपनी रहमत दूर फरमाए। बस हुण अपने वादे ते पक्के रहे जी, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह वादे तो पक्के हैं, पर इजाजत लेनी है तू, इजाजत इंशाअल्लाह, इजाजत लेना तो है इजाजत मैं काम। इंशाअल्लाह जेड़ा ना अर्ज करा दा बिल्कुल, जाके मैनू भावे उत्थे जेड़ा ना जाती ना जाना, भी हाजरी दे के आखा दा सरकार उन्हें इजाजत इन्हें को टाइम दी दियो, इंशाल्लाह इजाजत देन दे। इंशाल्लाह के फिर अल्लाह खैर करे, अल्लाह फजल करे, अल्लाह की दुआ की रहमत हो। कहते हैं कि अगर मतलब दुख वाली खबर हो और उसके बाद अच्छी खबर मिलने की उम्मीद हो, तो वो जो दुख वाली खबर होती है वो इतनी महसूस नहीं होती, और यही हाल हमारा भी है, हम दोनों मियाँ बीवी का भी यही हाल है कि अभी अब्बा जी ने जो वादा किया है कि 2.5-3 महीने में आपके पास रहूँगा, तो जो सुबह इनके विदा होने का जो मतलब एहसास है वो इतना शदीद एहसास नहीं है, क्योंकि पता है कि 2-3 महीने मतलब हैं, तो उसके बाद इंशाल्लाह अब्बा जी हमारे पास होंगे। छोटी तो बात बिल्कुल दूसरे ही दिन, छोटी तो बात दूसरे दिन इंशाल्लाह इजाजत है जिया, इंशाल्लाह मैं उन्होंने इजाजत तो बगैर कहीं ना आ सकता, बिल्कुल नहीं आ सकते। जिया असी अर्ज करा दी ना, जिया साढ़ा 13 करियो जी,
इजाजत लियो जे तो मैं इंशाल्लाह करो ना ते फिर दो महीने तुम्हारे को गुजारा दे इंशाल्लाह अगो जो मर्दात पाक दा बिल्कुल अल्लाह मेहरबानी करेगा आमीन अल्लाह मेहरबानी करेगा फजल करेगा अपने हर किसी से तो आज हमने यही अच्छी खबर आपके साथ है शेयर करनी थी। आप लोगों ने भी बहुत ज्यादा इसरार किया था कि अली भाई अब्बा जी इतने शफीक इंसान हैं, इतने नेक इंसान हैं, तो अब आपको चाहिए कि आप अब्बा जी की खिदमत करें। तो पता नहीं ये अल्लाह ताला की तरफ से ही हमें कोई ऐसा मौका मिलने वाला है कि हम इस काबिल तो नहीं हैं, क्योंकि ये वालिदैन जो होते हैं ये एक बहुत बड़ी नेमत होते हैं, और अगर बुढ़ापे में इनकी खिदमत कर ली जाए तो ये भी एक बहुत बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है। बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला अगर किसी को ये मौका दे तो इससे बड़ी तो बात ही नहीं है। बेशक जी, तो ये थी अच्छी खबर। बुरी खबर छोटी है, अच्छी खबर बहुत बड़ी है, जो हमने आपके साथ शेयर करना मुनासिब समझा। तो आज की वीडियो में बस यही थी खबर, अच्छी भी और बुरी भी। तो अब इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। रब सोने दे हवाले, रब राखा, अल्लाह हाफिज़।